कुछ और विभाग में कार्य सिंह और इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ यू आर वेरी वेल, ओके। और स्टडी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आपका जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन चल रहा है, और इसमें हम करा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में अब हम आ गए हैं चेंजिंग ऑफ नाउन्स, यानी कि प्रोनाउन में परिवर्तन, ठीक है। प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन में हम कैसे परिवर्तित करते हैं, ठीक है। देखिए, कोटेशन मार्क के अंतर्गत केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ही बदले जाते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस नहीं बदलते। देखिए, कोटेशन के अंतर्गत, कोटेशन मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा। और यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, तो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है, तो नो चेंज, ठीक है। क्योंकि केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन के ही सब्जेक्ट चेंज किए जाते हैं, ठीक है। और देखिए, इधर डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रोनाउंस की टेबल बना दी है। आप इस टेबल को अच्छी तरीके से पढ़ लें। पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या है, सब्जेक्ट आई है, तो ऑब्जेक्ट मी, और पजेसिव क्या होगा, माई, माइन। और वी का वी सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट वी है, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस, अस का पजेसिव क्या हो जाएगा, अवर और अवर्स, ठीक है। वैसे ही सेकेंड पर्सन में यू, यू और योर, योर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ये थर्ड पर्सन में ही हिम, हिज, सी, हर, हर, हर्स, और इट, इट, किड्स, दे, देम, देयर, देयर्स, ओके। और देखिए, इनका यूज कैसे करेंगे, ये जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं, आपको इन सबका यूज आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कैसे चेंज होते हैं। देखिए, ए, इसमें नंबर वन एग्जांपल है डायरेक्ट, रविंद्र सेड, कॉमा, आई हैव डन माय वर्क। अब देखिए, ये रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये क्या हो गए, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई है, फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन में है, आई क्या सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आ गया। अब ये देखिए, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, तो ये हमारी रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रविंद्र के अनुसार, ठीक है। अब देखिए, इसका इनडायरेक्ट देखेंगे, रविंद्र वर्क, देखिए ये आ गया ना, आई किसके अनुसार चेंज हुआ, रविंद्र के अनुसार, ओके। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल है डायरेक्ट, सीला सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई हैव डन माय वर्क। इनडायरेक्ट हो जाएगा, सीला सेड दैट सी हैव डन हर वर्क, ठीक है। आई किसके अनुसार चेंज हो गया, सीला, सीला के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल है, दे सेड टू अस, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, वी हैव डन आवर वर्क। नेक्स्ट जाएगा, दे टोल्ड अस दैट दे हैव डन देयर वर्क, ठीक है। क्योंकि वी किस सब्जेक्ट का पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के, बी किसका सब्जेक्ट है, यानी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। और जब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा, तो किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी दे के अनुसार, ठीक है। तो हमको दे टोल्ड अस दैट दे हैड डन देयर, ओके। स्टूडेंट्स, तो देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, बी का है, रामा सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू हैव
अब देखिए मैंने आपको बताया कि केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन के ही सब्जेक्ट चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन का नहीं। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। हमेशा ध्यान रखना, और एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बार आप बुक खोल कर अगर इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपके ये हमेशा स्थायी, आपके दिमाग में स्थायी तरीके से बैठ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे यू, अगर हमारा सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट यू हो तो किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है। देखेंगे राम सेड टू मी कमेंट कमा यू हैव डन योर वर्क, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा रामा टोल्ड मी दैट आई, यू का आई में चेंज हो गया, आई किसके अनुसार? मी के अनुसार, आई हैव डन माय वर्क। ओके, अब आपके समझ में आ गया होगा। सेकेंड है डायरेक्ट, Rama said to Sila, "You have done your work." Indirect. Rama told Sila that she had done her work. ऐसे खड़ा हो जाएगा। Rama said to them, "You have done your work." तो ये आपने indirect हो जाएगा। Rama told them that they had done their work. Dear students. अब ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और देखिए मैंने आपके लिए टेबल भी चेक बना दी है, ठीक है, देयर्स पजेसिव में क्या आता है, ऑब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, पर्सन लेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये अच्छी तरीके से मैंने आपको टेबल बना दी है, इसे आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए। और ये देखिए अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यानी कि आपका रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का है तो वो नो चेंज, वो बदलेगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको अच्छी तरीके से आप नोटबुक में नोट करें और इसके अभ्यास करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर सेंड करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर।